ये है जी शुतुर मुर्ग, थोड़ा सा छोटा ही है, ये है इतना पहले भी आए थे तो इतना ही था, बड़ा नहीं है इससे, दो तीन ही है शुतुर मुर्ग, ये थोड़ा सा बड़ा है, ये साथ में छोटा है। दो या बस तीन है, बल्कि एक वो खड़ा हुआ छोटा सा और एक ये है। ये है लगड़ बगड़ जिसको हाइना कहते हैं, सोया हुआ है बिल्कुल जैसे भी होश हुआ होता है। किधर है शेर? किधर? अच्छा वो अंदर, चलो आ जाओ अंदर। चला रही नहीं है न्योला है, न्योला पीछे चला गया। आगे पिंजरा इतना सख्त नजर नहीं आ रहा, क्या ये अफ्रीकी बबर शेर? अफ्रीकन लायन, अफ्रीकी बबर शेर। बड़ा शेर है ये कौन सा? ये भी अफ्रीकी बबर शेर है। ये है ये बबर शेर, ये एक सोया हुआ है अपने पिंजरे में और ये एक दौड़ रहा है बड़ी जोर जोर से। अभी ये बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में दौड़ रहा था, अब चुप करके बैठ गया। ये है ये दो सोए हुए हैं, बहुत बड़े बड़े शेर है। शेर है धारीदार शेर जिसको कहते हैं टाइगर। ये उसी का कमरा है। ये मुख्तलिफ जगहों की डायरेक्शंस लिखी हुई हैं कि कौन से जानवर किस तरफ हैं, ये लिखा हुआ है जिराफा इस तरफ है, जंगल कैफे इस तरफ है, गाना तो इस तरफ है, बच्चों के झूले इस तरफ है, परिंदा घर इस तरफ है। थोड़ा सा मास्क नीचे कर लो, इतना सा बस, सीना आया हुआ गर्मी बढ़ी है। इस समय गर्मी की वजह से जानवर सारे कमरों में गए हुए हैं छाँव में, और इधर पिंजरों में धूप है तो इधर बाहर नहीं है। वो सामने जेबरे हैं, क्या लिखा हुआ है ये? बर्चल जेबरा, बर्चल जेबरा, अफ्रीकी जेबरा। आगे भी हैं, इधर क्या है? इमो, ये बदल के आया इमो, एमओ के इमो, ये कुछ चीज नजर तो आ नहीं रही। खाली पिंजरा, अंदर कमरे में है कुछ जो भी है। ये जेबरा है,
ये मुख्तलिफ़ किस्म के हैं जानवर यहाँ पे, पंडे कुछ मोर हैं या कोई तलोर है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, अब तलोर है या क्या चीज़ है, वो आगे कुछ मोर हैं, मोरियाँ वगैरह हैं। वो बिल्ली है, चीता नहीं, चीता तो बड़ा होता है। ये इधर कंटीन वगैरह बनी हुई है रिफ्रेशमेंट के लिए, यहाँ से आपको बोतल जूस, बिस्कुट, आइसक्रीम, दही पल्ले, इस तरह की चीज़ें मिल सकती हैं रिफ्रेशमेंट के लिए। हम तो यहाँ से कुछ नहीं लेंगे सिवाय मिनरल वाटर के, पानी की एक बोतल लेंगे छोटी सी, वो भी अगर ज़रूरत पड़ी तो, उसके अलावा हम यहाँ से कुछ नहीं खाएंगे। बस ये गाय रहा, ये तो बंद लग रही है कंटीन, ओपन है। लाहौर जू, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीने छूट गए हमारे, हल्की हल्की हवा चल रही है लेकिन उसके बावजूद हबस की कैफियत है, दरख्तों के पत्ते हिल रहे हैं लेकिन हवा लग रही है। इधर क्या चीज़ है? अच्छा ये वो एंट्री है दूसरी तरफ से, मेन एंट्री उधर थी, ये छोटी एंट्री, आपने देखना, देखो आगे क्या क्या चीज़ें अभी रहती हैं देखने की। हाथी, हिप्पो, गिज़रा, गिज़रा था। छुपा हुआ था उधर अपने कमरे में, बाहर निकला ही नहीं, थोड़ा सा देखा। ये पहले हम देख चुके हैं सांप घर, ये इधर वर्कर्स लगे हुए हैं घास लगाने में, मफलूम पेड़ पता नहीं क्या है। बीच, बीच इस तरह था, ये लिखा तो हुआ है। ये है जी भेड़ की एक किस्म है, मफलून भेड़ इसको कहते हैं, मफलून भेड़ दुम्बे की किस्म है एक, लेकिन लाग हिरन रहे हैं छोटे छोटे। ये आ गया गेंडा जी, आप बाहर निकला, पहले अंदर ही था कहीं, ये अब निकला बाहर, एक ही है, पहले तो उधर जोड़ी होती थी। हाँ ये देखें गेंडा, लाहौर जू का गेंडा बेचारा निकला हुआ है मिट्टी में, अकेला ही है, पहले इधर जोड़ी थी, शायद दूसरा अंदर हो, लेकिन इस वक्त एक ही है यहाँ। ये है भेड़िया, इंडियन वुल्फ, वो छांव में बैठा हुआ है सामने कमरे के साथ। गर्मी की वजह से ना जानवर सारे या तो दूर दूर हैं और या फिर अपने अपने कमरों में हैं। ये सामने आपको भेड़िया नज़र आ रहा है, ये है जी हिरन, लाहौर जू में इसको इंग्लिश में कहते हैं होग डियर और उर्दू में कहते हैं इसको पाड़ा, पाड़ा हिरन है ये। ये इसके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और ये साथ उर्दू में भी लिखा हुआ है सारा इसके बारे में, पाड़ा हिरन इसको कहते हैं। ये नीचे आप देख सकते हैं,
गर्मी है और जानवर सारे जो हैं वो साये में हैं या फिर अपने कमरों में हैं अंदर। बहुत कम जानवर जो हैं वो बाहर के हैं। घास को सुंदर तो है नहीं, चारा वगैरह मेरे ख्याल कम ही डालते हैं इनको। ये है जी लाहौर जू, चिड़ियाघर लाहौर। यहाँ पे लिखा होगा कौन सा है? क्या कहते हैं इसको? हैं लैम्ब। इसकी तख्ती वो परली तरफ लगी हुई है, पता नहीं क्या कहते हैं इस जानवर को। बेर की कोई शक्ल है। इधर ये भी वो हिरन है, बड़े हिरन है। इधर क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं। अच्छा ये तो वही गैंडा है जो उधर से है। अच्छा ये गैंडे दो ही हैं, एक ये अंदर है और एक ऊपर बाहर निकला था। ये खड़ा हुआ है एक गैंडा। ये है ऊंट, ऊंट की सवारी भी यहाँ पे कराते हैं। इसकी टिकट जो है इधर मैं देखता हूँ कितनी लिखी हुई है, लिखी कहीं पे भी नहीं, शायद कुछ 100-200 होगी। ये स्टैंड बना हुआ है, इसके ऊपर चढ़ के तो साथ ये ऊंट को खड़ा कर देते हैं, फिर ये ऊंट के ऊपर बैठ जाते हैं। ये कई किस्म की कंटीने बनी हुई हैं। एक कंटीन ये है, यहाँ पे मिल्क शेक, दही बल्ले, फ्रूट चाट और आइसक्रीम, बिस्किट, बोतल, जूस वगैरह, स्नैक्स वगैरह, बर्गर, शवारमे, आइसक्रीम, हर चीज़ आसानी से मिल जाती है। इस तरफ को कोई नहीं यार, चले आप वापस। जानवर सारे अपने अपने अंदर कमरों में छुपे हुए हैं, धूप की वजह से, गर्मी है, धूप भी है। ये ऊँट की सवारी कर रहे हैं बच्चे। ये लाहौर जू में ऊँट के एचडी ऊँट की सवारी भी कराते हैं। ये ऊँट सामने आ रहा है, ऊँट पे बच्चे बैठे हुए हैं। और उसके अलावा ये इसकी हाथी की सवारी भी कराते हैं। ये सामने हाथी है, हाथी बच्चों का साथी, फी का 20 रुपये, मैकेनिकल हाथी की सवारी 20 रुपये। अभी हाथी गया हुआ है, कई मुसाफिरों को लेके अभी लौटा नहीं है, ऊँट वापस आ चुका है। ये सामने बंदर हैं, लड़ रहे हैं आपस में। ये वो है, इनको कौन सा बंदर कहते हैं, बिन मानस तो नहीं है कोई, और पता नहीं क्या कौन सी किस्म है ये। इधर कहीं लिखा होगा, इनका बोर्ड लगा होगा, देखो बोला नहीं है कहीं भी नज़र आ रहा कोई बोर्ड छोड़ इनका। वो दूर दूर तक काफ़ी ज़्यादा बंदर हैं, वो कुछ छाँव में बैठे हुए हैं। चलें वापस। लो जी हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी वजह ये है कि गर्मी की वजह से जो जानवर हैं वो भी सारे अपने अपने पिंजरों में हैं या कहीं दीवारों के बिल्कुल साथ लगे हुए हैं साए में, और बाहर बिल्कुल नहीं है जानवर। अब हम जा रहे हैं वापस। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।